हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने कल रदरफोर्ड मॉडल एक्सपेरिमेंट कर दिया था, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी ड्रॉबैक्स करेंगे, है ना। ड्रॉबैक्स यानी वो क्या फाइंड नहीं कर सकते, है ना। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आगे करेंगे हम नेक्स्ट इसमें एटम की स्ट्रक्चर, सॉरी रेडियस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर आज का ये टॉपिक है ना। आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे, है ना, आइसोबार, आइसोटोप्स, ये ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, पहले हम करते हैं डिस्कस रदरफोर्ड ड्रॉबैक, है ना, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। चलिए बच्चों, चलते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। देखिए, रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था वो किसी और बेस पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था, बट वो क्या हुआ, उसने एक्सपेरिमेंट कुछ और कर दिया, है ना, डिस्कवरी कुछ और हो गया उसके साथ, ठीक है। देखिए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, सबसे पहला पॉइंट है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कवर नहीं कर सका क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस पर मॉडल, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया, ठीक है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हम आगे पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता सके अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर बता सके तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो आपने फिजिक्स में 10th क्लास में पढ़ी होगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एवरी चार्ज मूविंग विल लॉस इट्स एनर्जी, है ना। जो भी चार्ज मूविंग करता है ना, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, यानी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग है, जो भी चार्ज एटम के अंदर मूव करता है, ठीक है, वो भी लॉस एनर्जी क्या कर देता है, लॉस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है, ठीक। तो पहले तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, दूसरे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया किसको, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आपकी ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड मॉडल की, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारे पास ये आप नोट कर लेना, साइज ऑफ एटम्स जो होता है 10^-10 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10^-15 मीटर तक होता है, ठीक है, इतनी इसकी रेडियस होती है, ठीक। अब आते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस निकालने के लिए, यानी न्यूक्लियस का रेडियस साइज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, R=R0a^3, ठीक है, वेयर R बिटवीन 1.1, इसकी वैल्यू जो गिवन रहती है ना, वो 1.1 × 10^15 टू 1.44 × 10^-15 मीटर, है ना, इतनी होती है, ठीक है। वेयर R नॉट, ठीक, जो हमने जनरली लेनी है, एक स्पेस कितना लेना है मुझे, 1.2 × 10^-15 तक लेना है, ठीक है। ए यहाँ पर एटॉमिक मास होगा किसी भी एलिमेंट, जो भी हमसे पूछेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। आर इज ऑन न्यूक्लियस ऑफ रेडियस, है ना, आर जो हमें फाइंड करना है, न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ यूनिट्स हैं, आपको मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में आपको नोट करा दी थी कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू, ये आपको याद करनी है, ठीक है। 1 नैनोमीटर को 10^-9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम को 10^-10 मीटर, 10 पिकोमीटर इक्वल टू, सॉरी 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10^-12 मीटर, एंड 1 पेरोमीटर इक्वल टू 10^-15 मीटर, ये आप नोट कर लेना यहीं पर, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एयर एल्युमिनियम 27, यहाँ पर हमें न्यूक्लियस की रेडियस बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है R=R0a^3, है ना, a की पावर कितनी है, 1/3, तो R की वैल्यू 1. कितना रखना गिवन, 1.2 × 10^-15 × अब ए एटॉमिक मास कितना होता है, 27, कितना होता है, 27, 1/3, तो यहाँ पर 1.2 × 10^15 × 3, और ये 1/3, ठीक है, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.2 × 10^-15 × यह जाएगा आपका 3, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, तो 3.6 × 10^-15 मीटर, ठीक है, ये इसकी रेडियस आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी कितनी आ जाएगी, एल्युमिनियम की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स, जो आपको एलिमेंट गिवन दे रखा हो, उसका हम रेडियस यानी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है, नोट करिए।
चलिए बच्चों चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर है एटॉमिक मास। ठीक, एटॉमिक नंबर यू नो दैट वेरी वेल, आप लोग जानते हो कि लास्ट लास्ट में आप पढ़ के आ चुके हो, है ना। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना, वही आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जितने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वही एलिमेंट का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, है ना, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, अब चलते हैं एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास क्या होता है, यानी एटम का वेट, है ना। तो एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी बोल सकते हैं। इसको हम शो करते हैं ए से, कितने इससे कर सकते हैं ए से। तो एटम इज कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। द टोटल सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द टोटल सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। अब जो मास नंबर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ, जितने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, आपका मास नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू, यानी मास नंबर ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, ए इक्वल टू पी प्लस एन, तो ये आपका एटॉमिक मास है। तो मास नंबर इक्वल टू ए, एटॉमिक इज कंपोज ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। एंड मास नंबर ऑफ कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे उसमें प्रेजेंट, वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। और जो हमारा मास नंबर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, मास नंबर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसमें पहले और एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, जैसे क्या भाई किस तरीके से शो करना होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं, उसी के नीचे लिख देना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है x, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है x, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है z और एटॉमिक मास जो होता है a। ठीक है, बुक्स में आपको यहाँ लिखाया देता है ना इधर साइड में, ये कोई बात नहीं, ये तो आपको क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर। ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और ये होगा आपका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 इसका होता है 16। ठीक है, अगर लेते हैं हाइड्रोजन का 1 और इसका भी 1, हीलियम का 2He4। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल है, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास etc। ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास थे। अभी फिर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग
एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें कुछ, तो उनके हमें क्या फाइंड करने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस में आपको सीधा एलिमेंट का नेम भी दे सकता है, ठीक है, एलिमेंट का नेम, एटॉमिक नंबर, और अब आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, अब हम ये बताएंगे कि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा, मान लीजिए पहला है सोडियम 1123, सेकंड है 19K40 39, थर्ड है फास्फोरस 1531, फोर्थ है क्लोरीन 30 और 1735, ठीक है। इसमें ध्यान रखना कि जब हम एटॉमिक नंबर वगैरह निकालते हैं तो 35 ही लेते हैं, ठीक है। जब एटॉमिक मास वगैरह निकालते हैं तो 30, जब एटॉमिक मास वेट वगैरह आता है वो 35.5 ही आता है, ठीक। तो यहाँ पर ही आया, तो आंसर करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, फर्स्ट है 11 Na 23, ठीक है। तो इस बार क्या आएगा, देखिए Z इक्वल टू E इक्वल टू P, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, देखो ये तो Z हो गया, कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11 इक्वल टू 11, ठीक है। ये आ गए आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11 और प्रोटॉन कितने हो गए, कितना हो गया 11, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में क्या है, देखिए दूसरे में 19K39, ठीक है, 19K39। तो यहाँ पर देखिए Z इक्वल टू E इक्वल टू P, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 19 इक्वल टू 19, ठीक है, 19 19, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 19 और प्रोटॉन कितने हो गए इसमें 19, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाले में क्या है 15P31, तो Z इक्वल टू E इक्वल टू P पॉजिटिव, तो 15 इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 15 और प्रोटॉन कितना हो गया 15, ठीक। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, 17Cl35, तो यहाँ पर देखिए Z इक्वल टू E इक्वल टू P, तो Z 17 है, ये भी 17, ये भी 17 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ 35 ही वगैरह, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे तो देखो होता तो यही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे तो 35 ही रखा करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका 17 और प्रोटॉन आपका 17, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियस, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं इसके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें आंसर है फर्स्ट का 38Sr स्पंडियम 88, ठीक है। तो Z इक्वल टू, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास होता है, तो Z इक्वल टू E इक्वल टू P, तो Z हमारे पास कितना है 38, ये भी 38 और ये भी 38, ठीक है। तो प्रोटॉन कितने आ गए हमारे पास P 38 आ गए, ठीक है। अब उसने कहा कि हमें न्यूट्रॉन भी निकालना है, क्या निकालना है न्यूट्रॉन, तो वी नो डैट, इसी के आगे क्वेश्चन, वी नो डैट, वी नो डैट क्या, ए इक्वल टू पी प्लस एन, यहां पर ए कितना दे रखा है 88 इक्वल टू पी कितना दे रखा है 38 प्लस एन, तो 88 माइनस के 38 इक्वल टू एन 0.5, ठीक है। तो यहां पर 50, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 50 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में।